यहाँ पर आप सभी को पता ही होगा कि एक परिवार के किसी भी सदस्य के लिए जब हम पेंशन का आवेदन करना चाहते हैं तो उस परिवार की यानी कि उस कंप्लीट परिवार की उस परिवार के जन आधार कार्ड में इनकम 48,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम पेंशन के लिए आवेदन ही नहीं कर पाते हैं। तो अभी इसी को देखते हुए एक बड़ी समस्या लोगों को आने वाली है और लोग ये सबसे ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि नया नियम क्या है। अब यहाँ पर आप सभी करते क्या है कि आपके परिवार के जिस भी सदस्य को पेंशन के लिए आवेदन करवाना होता है वो जन आधार कार्ड को अपडेट करवाता है और इनकम करवा लेता है 48,000 रुपये, और उसके बाद वो पेंशन के लिए आवेदन कर देता है और उसकी पेंशन शुरू भी हो जाती है। लेकिन जब बाद में परिवार के बाकी सदस्य अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं या फिर अपना मूल निवास बनवाते हैं या फिर कोई और काम करवाते हैं तो वहाँ पर वो अपना आय प्रमाण पत्र तैयार करवाते हैं, और आय प्रमाण पत्र तैयार करवाते वक्त वो ये ध्यान में नहीं रखते कि हमारे जन आधार कार्ड में जो इनकम है वो 48,000 रुपये ही कर रखी है। वो अपने हिसाब से 90,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपये इनकम का आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं, और उसी आय प्रमाण पत्र को ईमित धारक जातियों में अपलोड करता है, और वहाँ पर ऑनलाइन भी पूछा जाता है कि इस परिवार की इनकम कितनी है। तो वहाँ पर बताते हैं ईमित धारक कि इस व्यक्ति ने हमें 80,000 का आय प्रमाण पत्र दिया है तो इस परिवार की इनकम है 80,000, लेकिन हमने कितनी इनकम बता रखी है अपने जन आधार कार्ड में 48,000 रुपये, और पेंशन का जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का इनकम का जो क्राइटेरिया है वो 48,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक तरफ तो आप पेंशन का फॉर्म भरते टाइम अपने परिवार की इनकम बताते हो 48,000 रुपये, दूसरी तरफ जाति बनाते टाइम आप आय प्रमाण पत्र तैयार करवाते हो वो करवाते हो 80,000 रुपये का उसी परिवार के लिए। तो अब आपको दिक्कत आने वाली है अगर आप ऐसा करते हो जाति या और कोई डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए और ऑनलाइन अपने परिवार की इनकम 48,000 से ज़्यादा दिखाते हो तो आपके परिवार के जिस सदस्य को पेंशन मिल रही है उसकी पेंशन खतरे में पड़ सकती है, उसकी पेंशन बंद हो सकती है। जी हाँ, आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आपने अपने जन आधार कार्ड में इनकम 48,000 रुपये अपडेट कर रखी है तो आपको 48,000 का ही आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपकी जो भी वास्तविक वार्षिक आय होगी वही आप चलेगी। आप ऐसा नहीं चलेगा कि अपनी मनमर्जी से जितनी चाहे उतनी इनकम का आपने आय प्रमाण पत्र बना लिया और हर जगह पर अपलोड कर दिया, तो ऐसा आप नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा लगातार करते हो तो आपके परिवार के उन सदस्यों की पेंशन बंद हो सकती है जिनको अभी पेंशन मिल रही है, जो कि 48,000 रुपये अपने परिवार की इनकम दिखा के पेंशन ले रहे हैं और आप उसी परिवार की इनकम बता रहे हो 1,00,000 रुपये, 80,000 रुपये, 2,00,000 रुपये, तो पेंशन तो बंद होगी ही होगी। तो दोस्तों, हाल ही में मुझे पता चला है कि जो भी लोग ऐसा करते हैं उनका कभी भी नंबर आ सकता है और आप भी उन लोगों में से हो सकते हो, क्योंकि आप भी ऐसा करते होंगे, जरूर करते होंगे। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात यही है कि आपको दो बातों का ध्यान रखना है। अगर आपके परिवार के सभी सदस्यों की आय 48,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपके परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन नहीं मिलेगी, आप पेंशन के लिए आवेदन मत करिए। दूसरा, अगर आपके परिवार के सभी सदस्यों की इनकम 48,000 रुपये से कम है तो आप 48,000 रुपये से कम इनकम अपडेट करिए जन आधार कार्ड में और पेंशन के लिए फॉर्म भर दीजिए और बाकी सभी डॉक्यूमेंट में भी अपने परिवार की इनकम 48,000 रुपये ही दिखाएं। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि जिस व्यक्ति को पेंशन मिल रही है उस व्यक्ति के नाम से हमें आय प्रमाण पत्र नहीं बनाना चाहिए 48,000 से ज़्यादा, बाकी सदस्यों के नाम से क्या हम 48,000 से ज़्यादा का आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं? तो इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, जब भी कोई जानकारी होगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी उस सदस्य के नाम से तो आप कभी भी आय प्रमाण पत्र 48,000 से ज़्यादा मत बनाइए जिसको पेंशन मिल रही है। जी हाँ, मैं साफ तौर पर यही कहना चाहता हूँ।